फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इफ यू आर न्यू हियर, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोज। आज हम बात कर रहे हैं, एनसीपीसीआर ने दिल्ली हाई कोर्ट को बताया कि राहुल गांधी द्वारा नाबालिग बलात्कार पीड़िता की पहचान का खुलासा करना कानून के खिलाफ है। इसमें कहा गया कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने गुरुवार को दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा 2021 में बलात्कार और हत्या की शिकार नाबालिग दलित की लड़की की पहचान उजागर करना कानून का उल्लंघन है। पीड़ित की पहचान की रक्षा करना, बाल अधिकार निकाय के पीड़िता के माता पिता के साथ एक तस्वीर प्रकाशित करने जिससे उसकी पहचान हुई के लिए गांधी के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग वाली याचिका पर दायर एक हलफनामे में अदालत ने समक्ष अपना पक्ष रखा, जिसमें कहा गया कि राहुल गांधी ने नाबालिग पीड़ित लड़की के माता पिता के साथ अपनी मुलाकात की एक तस्वीर अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट की, जिसमें नाबालिग लड़की की पहचान का खुलासा किया गया। श्री राहुल गांधी का ट्वीट पोस्ट किशोर के प्रावधानों का उल्लंघन है। न्याय अधिनियम 2015 जो यह स्पष्ट रूप से स्पष्ट करता है कि पारिवारिक विवरण सहित कोई भी जानकारी मीडिया के किसी भी रूप में प्रकाशित नहीं की जानी चाहिए, जिससे किसी भी नाबालिग पीड़ित की पहचान हो सकती है। NCPCR द्वारा उत्तर हलफनामे में कहा गया कि NCPCR ने कहा कि किशोर न्याय अधिनियम के अलावा यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम और भारतीय दंड संहिता में भी नाबालिग पीड़िता की पहचान का खुलासा करना दंडनीय अपराध बनाती है। मार्च में अदालत ने सामाजिक कार्यकर्ता मकरंद सुरेन महाड लेकर की याचिका पर NCPCR में जवाब मांगा था, जिसमें 2021 में बलात्कार और हत्या के नाबालिग दलित पीड़िता की पहचान उजागर करने के लिए गांधी के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की गई थी। ट्विटर पर अपने माता पिता के साथ तस्वीर, 1 अगस्त 2021 को एक 9 वर्षीय दलित लड़की की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई थी। उसके माता पिता ने आरोप लगाया था कि दक्षिण पश्चिम जिले के एक और नंगल गांव में एक शमशान पुजारी द्वारा उसके साथ बलात्कार किया गया था और हत्या की गई थी और उसका अंतिम संस्कार किया गया। माइक्रोवाइगिंग वेबसाइट ट्विटर ने पहले कहा था कि याचिका में कुछ भी नहीं बचा, क्योंकि संबंधित ट्वीट को जो ब्लॉक कर दिया गया है और यह भारत में उपलब्ध नहीं है। ट्विटर के वकील ने यह भी बताया कि शुरुआत में गांधी का पूरा अकाउंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म द्वारा निलंबित कर दिया गया था, लेकिन बाद में इसे बहाल कर दिया गया था। गुरुवार को मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद शर्मा और न्यायमूर्ति संजीव नरूला की पीठ ने याचिका को 2023 नवम्बर की आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया। अपने हलफनामे में NCPCR ने कहा कि कांग्रेस नेता द्वारा किया गया गंभीर अपराध को देखते हुए उससे संबंधित पोस्ट को हटाने और उसके ट्विटर हैंडल के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करने के लिए शिकायत को दिल्ली पुलिस और ट्विटर को भेजा गया है। इसके बाद जबकि ट्वीट को भारत में रोक लगा दिया गया था, इसके हटाया नहीं गया और देश के बाहर उपलब्ध है, इसलिए ट्विटर की निष्क्रियता भारतीय कानून के उल्लंघन में पीड़िता की पहचान के प्रकटीकरण में योगदान दे रही है। हलफनामे में कहा गया, शिकायतकर्ता के जवाब में दिल्ली पुलिस ने सूचित किया कि उसने मामले का संज्ञान लिया है, जिसमें जांच अपनी अपराध शाखा द्वारा की जा रही है। हलफनामे में कहा गया, NCPCR ने तर्क दिया कि केवल भारत में सोशल मीडिया पोस्ट को छुपाना पीड़िता की पहचान छुपाने के उद्देश्य से पर्याप्त नहीं था, क्योंकि अनुच्छेद के तहत गारंटी के अनुसार निष्ठा के अधिकार और गरिमा के अधिकार का सही अर्थ और प्रभाव दिया जाना चाहिए। भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 बाल अधिकार संस्था ने कहा कि अपराध की गंभीरता और विभिन्न मामलों में माननीय न्यायालयों के निर्देश को देखते हुए भारत में उक्त पोस्ट को रोकने मात्र से सोशल मीडिया कंपनी ट्विटर इंक की जवाबदेही कम नहीं होगी। यहाँ यह उल्लेख करना उचित है कि उक्त पोस्ट को अभी भी एक्सेस किया जा सकता है और यह अभी भी दुनिया भर में सार्वजनिक डोमेन पर उपलब्ध है और परिणाम स्वरूप ट्विटर इंक की निष्क्रियता पीड़िता के पहचान का खुलासा करने में योगदान करती है, जो भारतीय कानून का उल्लंघन है, यह कहा गया। इसमें कहा गया कि इसी तरह की पोस्ट को हटाने और गांधी के खिलाफ से कार्रवाई करने में एक अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम भी एक पत्र जारी किया गया है। इंस्टाग्राम को भी इसमें कहा गया कि विचाराधीन पोस्ट ट्विटर पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सत्यापित खाते द्वारा भी पोस्ट किया गया था और इसे ट्विटर पर बड़े पैमाने से रीट्वीट और प्रसारित किया गया है, जो उन प्रावधानों का उल्लंघन करता है जो पीड़िता की पहचान के प्रकटीकरण पर रोक लगाते हैं।
इसमें कहा गया कि पीड़िता के माता पिता की तस्वीर के प्रचार को रोकने के लिए भी आवश्यक कार्रवाई की जानी आवश्यक है। 5 अक्टूबर 2021 को तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश DN पटेल की अध्यक्षता वाली पीठ ने उस याचिका पर ट्विटर को नोटिस जारी किया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि गांधी दुर्भाग्यपूर्ण घटना से राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास कर रहे थे। अदालत ने इस स्तर पर जनहित याचिका पर अन्य उत्तरदाताओं यानी गांधी, दिल्ली पुलिस और NCPCR को नोटिस जारी करने से इनकार कर दिया था। याचिका में NCPCR द्वारा गांधी के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई शुरू करने की मांग की गई है। तो फ्रेंड्स, ये था पूरा मामला कि जो पीड़िता है उसकी पहचान छुपानी चाहिए, जबकि जो है राहुल गांधी ने उसे पोस्ट किया ट्विटर पे, तो इस पे क्या है ये कार्रवाई है। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही वीडियो के लिए प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।